पंजाब नेशनल बैंक मंडल हमीरपुर द्वारा शाखा स्तर पर बॉटम अप प्रक्रिया के तहत शाखा प्रबंधकों की एक वैचारिक संगोष्ठी का प्रारंभ किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजुमदार द्वारा की गई। बैठक में मंडल कार्यालय हमीरपुर के स्टाफ एवं हमीरपुर मंडल की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर द्वारा आज शाखा स्तर पर बॉटम अप प्रक्रिया के तहत शाखा प्रबंधकों की एक वैचारिक संगोष्ठी का प्रारंभ किया गया। ये बैठक 18 अगस्त 2019 तक जारी रहेगी। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजुमदार द्वारा की गई। बैठक में उपमंडल प्रमुख प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक एस के बोध, बी डी भाटिया, रूपेश कुमार गुप्ता एवं मुख्य जिला अग्रणी प्रबंधक जी सी भट्टी सहित मंडल कार्यालय हमीरपुर के स्टाफ एवं हमीरपुर मंडल की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि ऋण, MSME, रिटेल लोन, मुद्रा ऋण, शिक्षा ऋण, डिजिटल कार्यप्रणाली आदि की शाखावार प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में हमीरपुर मंडल के मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजुमदार ने बताया कि ये संगोष्ठी वित्त मंत्रालय के त्वरित सूचना पर आयोजित की गई है और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करना, परस्पर भागीदारी से राष्ट्र के विकास में योगदान देना तथा बैंकरों के बीच राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ बैंकिंग को जोड़ना है। ये कार्यशाला सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मुहिम है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से, जो हम लोग को $5 ट्रिलियन मार्केट 2024 तक का सपना देख रही है, एम्बिशन है सरकार का, उसी को पूर्ण करने के लिए सरकार चाहती है सरकार के जो प्रायोरिटीज हैं बैंक के प्रायोरिटीज़ को उसके साथ मिले और सरकार बैंक उसमें भागीदार हो। इसके लिए बैंक सरकार ने कहा कि इकोनॉमी जो डाउनटर्न चल रही है या जिस तरह से हम लोग का $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक करनी है, उसके लिए सरकार ने बैंकों से ही प्रस्ताव मांगा है कि आप ही बताइए कहाँ हमारा कमी रह जा रही है, स्पेशली क्रेडिट ऑफटेक के लिए। इस हिसाब से उन्होंने 16 पैरामीटर्स दिए हैं, क्रेडिट के ही हैं पूरे। उस 16 पैरामीटर्स में हमसे ही मांगा गया है, इसको बॉटम अप कहते हैं, एकदम नीचे स्तर से जो शाखा प्रबंधक है उनसे सुझाव लिया जा रहा है कि आप बताइए कहाँ कमियाँ आ रही हैं आपके क्रेडिट डिस्पेंशन में, वो आपको कोई तकलीफ हो रही है वो बताइए, कोई सुझाव है वो बताइए, आपके अलग अलग एरिया के अलग अलग सुझाव हो सकते हैं, उसको हमको हर शाखा प्रबंधक को बुलाया गया है। 2 दिन का सेमिनार है, कल तक हम लोग फाइनल कर लेंगे, इसके बाद हम उसको अपने हायर ऑफिस में भेजेंगे। इसी तरह 22 और 23 को SLBC हो रही है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी, जहां हमारे जोनल मैनेजर GM रैंक के लोग रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस से MDs लोगों के लिए 2 दिन का एक वर्कशॉप है, उसमें ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन में फाइनल डिसाइड होगा किस वे में बैंक बढ़ेगा के लिए बोला गया था, लेकिन कुछ शाखा प्रबंधक छुट्टी का जो आगे पीछे छुट्टी के चक्कर में पहले से छुट्टी ले चुके थे और कुछ शाखा प्रबंधक जहाँ पे एक ही ऑफिसर है, ये भी बताया गया था कि कोई शाखा बंद ना रहे, तो करीब 71 शाखा प्रबंधक आए हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, मतलब सर्कल के पूरे सर्कल के, हमीरपुर से, बिलासपुर से और ऊना से। ये जो सरकार की तरफ से एक मुहिम छुड़ी हुई है, ये ऑल ओवर इंडिया जितने नेशनलाइज बैंक हैं सब में हो रहा है 2 दिन की कार्यशाला, और इसका इतना बड़ा ये पहली बार इस तरह का बॉटम अप का जो हम लोग यहाँ पे कोशिश की जा रही है, तो इसका इसके बाद जो SLBC में जाएगा और फिर बैंकर्स लेवल में जाएंगे, FM फाइनेंस मिनिस्टर के DFS लेवल पे जाएंगे, तो इसका हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छा एक रिजल्ट आएगा और इसमें हम लोग को काम करने में और इजी होगा और हमारे एरिया स्पेसिफिक कुछ शायद पॉलिसीज गवर्नमेंट लाए जिससे एरिया का डेवलप हो, बैंक का भी डेवलप हो और हम लोग इकोनॉमी जो बिल्ड करना चाहते हैं उसमें भी हेल्प हो।